हाय गाइस, दिस इज निबम बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। सो आज हमारा सिटी ऑफ जॉय में दूसरा दिन है और आज हम लोग यहाँ की सारी लोकल राइड्स ट्राई करने वाले हैं और सारी फेमस राइड लाइक टैक्सी, बोट एंड ट्रैम एंड एक यहाँ सर्कुलर ट्रेन चलती है जो कि रिवर के साइड साइड चलती है, तो वो भी ट्राई करेंगे। तो सारे लोकल ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं आज इसमें। तो हम लोग सबसे पहले कैब से ट्राई करेंगे जो कि नॉर्मल ओला कैब होती है, फिर धीरे धीरे आपको सब घुमाएंगे। तो व्लॉग को पूरा देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चले तो चलते हैं फटाफट। हमारी पहली राइड जो है वो है ओला, तो चलते हैं ओला में। तो गाइस, एक यहाँ ये भी हाथ गाड़ी एक यहाँ की फेमस राइड है, बट मैं ये करूँगा नहीं यार, क्योंकि कोई इंसान एक इंसान को खींच रहा है यार। बट ये भी इनकी जॉब है, बट यार मेरे को अच्छी नहीं लगती किसी के पीछे बैठ के वो ऐसे खींच रहा हो, पैर में भी दर्द होता है यार, तो मैं ये करने वाला नहीं हूँ भाई। तो गाइस, ओला से हम लोग आ चुके हैं न्यू मार्केट मेट्रो राइड लेने। यहाँ की मेट्रो कुछ ऐसी होती है, देख ही सकते हो आप लोग। भाई साहब इतना शोर हो रहा है ना, आज कुछ रैली वैली थी इसलिए इतना शोर है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो राइड लेने के लिए। बाकी भाई यहाँ की मेट्रो की स्पीड काफ़ी तेज है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं लेक्सी कब तक आती है मेट्रो। एक्साइटेड है? यस, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई भाई साहब। हम लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम लोग आज दो ब्लॉग बना रहे हैं, एक न्यू मार्केट वाला और एक ये वाला, तो भाई साहब बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है ना। और न्यू मार्केट का ब्लॉग इससे पहले ही देख लिया होगा आपने, और शॉपिंग देखो हमने कितनी सारी करी है। तो जिसने नहीं देखा न्यू मार्केट का ब्लॉग जाके देख लेना, ऑलरेडी डर चुका है, और साइट सीइंग वाला भी ब्लॉग डर चुका है ऑलरेडी, देख लिया करो भाई। फाइनली गाइस, मेट्रो आ चुकी है गाइस। मेट्रो में तो बैठ चुके हैं बट सीट नहीं मिली, उसका अफसोस है, बहुत भीड़ है। तो गाइस, मेट्रो देखो खचाखच भर चुकी है भाई साहब, क्योंकि आज ममता दीदी की कोई रैली थी इसलिए पूरी मेट्रो भर रखी है। सीट मिल गई है तो बैठ गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ। गाइस, हमारा स्टेशन आ चुका है टालीगंज, हमारी मेट्रो राइड यहीं होती है फिनिश। सो यू कैन सी दैट मेट्रो जा रही है हमारी। ट्राम के लिए आ चुके हैं, तो ये पूरा ट्राम का डिपो है, यहीं से चलती है ट्राम, तो लेट्स सी कब चलती है। सो गाइस, ये है कुछ अंदर से ट्राम का इंटीरियर, इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और ऐसी सीटिंग होती है 2 और 1 की, और पीछे लंबी सी सीट होती है। तो गाइस, ट्राम में होते हैं 2 कोचेस और जो हमारा फेयर लगा है वो बस 6 रुपीज लगा है। गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं ट्राम में, तो जब चलेगी इसका एक्सपीरियंस भी करवाएंगे आप लोगों को। तो ये हमें मिलती है टालीगंज से बैठे हैं हम लोग, यहीं पे डिपो है, यहीं से चलती है, तो जैसी चलेगी तब आपको एक्सपीरियंस देते हैं। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ऑफिस में जाके आपको पूछना पड़ता है टाइम वाइम सारा, तो वेट करते हैं जब तक चलेगी फिर आपको दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अब ट्राम की जर्नी। तो गाइस, कंडक्टर को अगर ट्राम रोकनी होती है तो वो ये वाली बेल बजाते हैं जो आपको वाइट कलर की दिख रही है, तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है यार। अगर आप भी कोलकाता आ रहे हो तो इसकी राइड ज़रूर लेना भाई, कैसा वसूल है। और गाइस, ट्राम ड्राइवर को खड़े होके ही चलानी पड़ती है। तो फाइनली गाइस, हम लोग अपनी ट्राम से उतर चुके हैं और ये रही हमारी ट्राम, तो बाय बाय करते हैं। फाइनली हमारी ट्राम राइड हो चुकी है और वो रही ट्राम, और 6 रुपये का टिकट था, ज़्यादा का नहीं था। तो रेड लाइट पे ट्राम खड़ी हुई है, ट्राम भी रेड लाइट फॉलो करती है। फाइनली हमारी ट्राम जा रही है, देख सकते हो आप लोग। गाइस, हम लोग ट्राम में भी घूम चुके हैं, ट्राम का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तेरा कैसा था? बहुत ज़्यादा अच्छा। तो चलते हैं अब, देखते हैं लेट्स सी कहाँ जाते हैं।
गाइस पूरा दिन घूम के अब हम हो चुका है हमारा लंच टाइम। कितने बजे ये तो नॉन वेज खाएगी क्योंकि बहुत दिन बाद खाई नॉन वेज, और मैं तो वेज ही खाऊंगा क्योंकि सावन खत्म हो गए। बट मैं तो वेज ही खाऊंगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, ये है नॉन वेजिटेरियन। तो खाते हैं फटाफट और फिर और कहीं भी जाना है, फिर बोट राइड और हमारी सर्कुलर ट्रेन रहेंगी वो भी कवर करेंगे। गाइस मेरी दाल आ चुकी है, इसका पता नहीं नॉन वेज है कुछ। क्या है तेरा? मच्छी। कौन सी मच्छी है? पतला। तो ये तो नॉन वेज खा रही है, मेरा अलग ही है। ये इसका है राइस पकड़ अपना, और ये मेरा वेज है दाल फ्राई और नान, और ये तंदूरी रोटी। हमने बच्चन ढाबा से खाया करा है अपना लंच, अब चलते हैं फटाफट होटल क्योंकि बहुत थक चुके हैं। तो गाइस कोलकाता है और इस येलो टैक्सी में सफ़र ना करा तो आपका कोलकाता आना बेकार है। तो ये थी हमारी कुछ येलो टैक्सी और उसका इंटीरियर। तो हम लोग ने येलो टैक्सी करी थी हमने होटल तक के लिए, तो बाकी हमने बाय बाय कर दिया है ऑलरेडी टैक्सी को। और कोलकाता की शान है भाई ये येलो टैक्सी, तो इसमें ज़रूर बैठना। गाइस अभी हम लोग ऑटो की राइड लेने आ गए हैं, बाकी ऑटो तो सब जगह सेम ही होते हैं, बट हमने सोचा जब ये सब दिखा रहे तो ऑटो भी कर लेते हैं, है ना। तो गाइस ऑटो से हम लोग जा रहे हैं अगरतला घाट, जहाँ से हम अपनी बोट राइड स्टार्ट करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है बोट राइडिंग में। तो चलो फटाफट चलते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं अगरतला घाट, यहाँ से हमें बालाघाट की बोट मिलेगी तो हमारी बोट राइड भी कंप्लीट हो जाएगी। और सामने ही हावड़ा ब्रिज है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी यहाँ बोट आने वाली है, अभी तो है नहीं, बाकी काफ़ी औसम व्यू है वो आपको दिखाता हूँ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Guys, वो आ रही हमारी सामने से बोट, तो उसी बोट में हम लोग जाएंगे बांदा घाट। और वो रहा सामने हावड़ा ब्रिज, काफ़ी सही लग रहा है, देख ही सकते हो आप लोग। तो बाकी आ चुकी है हमारी बोट, यहीं लगेगी। ये देखो इसमें रस्सी से फंसाते हैं तो यहाँ रुक जाती है बोट। तो फाइनली वेट करते हैं। फाइनली गाइस आ गई है ये, यहाँ लग रही है। और यहाँ अगरतला घाट से बांदा घाट जाने के 8 रुपये का टिकट मिलता है। तो फाइनली ये लोग उतरेंगे तो हम लोग चढ़ते हैं, फिर वेट करते हैं इनके उतरने का। तो ऐसे कुछ करके रस्सी फंसाई जाती है। गाइस हम लोग बोट में तो आके बैठ चुके हैं, अब वेट करते हैं कब तक चलेगी, है ना। तो बोट राइड भी हमने आपको दिखा दी और चीपर प्राइस में दिखाई है, बस 8 रुपीस की है यहाँ से। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, 10 to 20 minutes लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, देखते हैं। फाइनली गाइस आ चुका है हमारा डॉक, तो यहीं तक की थी ये राइड, बाकी ये रहा डॉक। तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ देखते हैं क्या क्या है, यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। गाइस ये थी हमारी बोट जो हमें इस पार लेके आई है, और इसका मैंने ऑलरेडी किराया बता दिया आपको, 8 रुपीज़ है। मज़ा आया रोज़? तो भाई मुझे भी काफ़ी मज़ा आया राइड करके। फाइनली गाइस हमने आपको बोट राइड भी दिखा दी, यहाँ आपको हावड़ा ब्रिज का भी व्यू आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाई सामने से, है ना। और अभी आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ से हावड़ा ब्रिज, आओ आप लोग देख ही सकते हो यहाँ से पूरा हावड़ा ब्रिज का व्यू आ रहा है, देखो मस्त लग रहा है ना। तो यहाँ आप आके मस्त राइड ले सकते हो चीपर प्राइस में, और थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ की जो बस सर्विस होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, और यहाँ लेकिन आपको अगर कहीं जाना है ना बस से तो बस नंबर पता होना ज़रूरी है, राइट? 24A बस नंबर। तो ये अलग अलग जगह ले जाती है, ऐसी अलग अलग बस नंबर है। तो चलते हैं हम वापस। तो ये कुछ होती है यहाँ की बस, यही है। रोज
ने बोला आप बस में घूमना है तो हम लोग बस में आ गए, तो बस राइड भी हो जाए इसमें, है ना। तो बस राइड लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ से चांदनी चौक उतरेंगे, यहाँ से चांदनी चौक से फिर न्यू मार्केट जाएंगे पीली टैक्सी में, ठीक है। गाइस हमारी यहाँ से बस चल चुकी है, लेट्स सी यहाँ चांदनी चौक जाने में कितना टाइम लगेगा। दिल्ली में चांदनी चौक है, यहाँ भी एक चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक से हम लोग न्यू मार्केट के लिए टैक्सी कर लेंगे, फिर नहीं तो अगर वहाँ से कोई ट्रेन का रूट होगा तो ट्रेन कर लेंगे। इसके पता नहीं आज बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है जाने का। ऐसी कुछ बस होती है यहाँ, देख ही सकते हो आप लोग। तो गाइज ऐसी कुछ होती हैं बस की टिकट, देखो कितनी पतली पतली सी है। तो ये है बस की टिकट, ऐसे टिकट होते हैं बस के, और ऐसी हमें बोर्ड का भी मिला था, तो ऐसी टिकट मिलेंगे आपको। तो यहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक पे, वो 15-15 रुपए की टिकट है, दो जनों के 30 रुपए हो गए। तो फटाफट चांदनी चौक चलते हैं, वहाँ उतरते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं हम लोग कैसे लेंगे। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं केसी दास पे, अब कोलकाता है और कोलकाता का संदेश और रसगुल्ला नहीं लिया तो क्या लिया। तो चलते हैं फटाफट और दिखाते हैं आपको कौन कौन सी मिठाई है अंदर और हम कौन सी लेके जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम रेनकोट ले रहे हैं, तो समन देखो छोटू को मस्ती सोच रही है, जल्दी डिसाइड करो कौन सा लेना है। गाइस अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो हम लोग अभी नूडल्स खाने आ रहे हैं, तो नूडल्स खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हम सर्कुलर ट्रेन में सफ़र तो कर नहीं पाए, बट ये आ रही है सामने से सर्कुलर ट्रेन जो कि हमें मिली थी प्रिंसेप घाट पे। तो सर्कुलर ट्रेन मेनली जो रिवर के साइड साइड चलती है उसको बोलते हैं, तो ये ट्रेन रिवर के साइड साइड चलती है इसलिए इसका नाम सर्कुलर ट्रेन है। आज का ये वाला ब्लॉग करते हैं यही एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना जिससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते रहेंगे न्यू वीडियोज़ के साथ, टिल देन बाय बाय।